सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में मौसम का हाल क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही। दो तस्वीरें दिल्ली और गुरुग्राम की, अंदाजा लगाइए किस तरीके से भारी बारिश हो रही है और इसके बाद जलजमाव लगातार होगा। नोएडा में बारिश का आलम यह है कि दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा छा गया। दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो ये बारिश राहत की सांस जरूर लेकर आई है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल ये कि इससे अब आम जन को कितनी मुश्किल होगी। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। संजय, तस्वीर दिखाइए बाहर की, क्योंकि छाता आप लिए हुए हैं और पीछे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जलजमाव की भी तस्वीरें हैं। यस, पीछे देखा जा सकता है कि कैसा जलजमाव है। मैं बस चारों बगल घूम जाता हूं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सावन धूम के बरस रहा है, पीछे आप देख सकते हैं पंप वाली गाड़ी भी लगी है जो पानी निकालने को है। लेकिन जहां हमने गाड़ी लगाई है, ये बिल्कुल ऐसे ईंटों के बोरे हैं जिस पर हम यहाँ खड़े हैं, और यहाँ पीछे पूरा इलाका जलमग्न है और चारों ओर सिर्फ पानी पानी है। ये रिंग रोड का नजारा है जहाँ मेरे पीछे ये पूरा पानी भरा हुआ आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ पानी और पानी है। ये हमारी गाड़ी और इसके चारों बगल सिर्फ पानी है, और ऐसे में पीछे बस मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे बस देख लिया जाए कि गाड़ियां किस तरह से बच बच के चल रही हैं। सड़क का 3/4 से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, और ऐसे में गाड़ियां बच के निकल रही हैं। सबको ये लग रहा है कि जहां पानी है वहां गड्ढा हो सकता है, लिहाजा ट्रैफिक की गति। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, क्योंकि खुद उनकी गाड़ी का भी आधे से ज्यादा टायर पानी में डूबा। और एक और तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली एनसीआर में हालांकि बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें, मूसलाधार बारिश है, दिन में किस तरीके से अंधेरा छाया है, यानी कि सड़क का जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। वो तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं।